नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में, आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में जो हादसा हुआ उसको लेकर लगातार यहां पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई और आपको बता दें कि मृतकों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। मामले में हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये पूरी घटना दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जहां कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र छात्राओं की मौत हो गई। अब इस मामले को लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कई मांगे अपने जो है मांगे वो सामने रख रहे हैं, साथ ही राजनीति भी खूब हो रही है। सीधा मैं अपने सहयोगी वरुण सिन्हा का रुख कर रही हूं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, जरा दिखाइए तस्वीर, क्या कह रहे हैं छात्र? और हम देख रहे हैं कि लगातार इस हादसे के बाद नेताओं का पहुंचना लगातार देखने को मिल रहा है, राजनीति भी खूब हो रही है। देखिए, जमकर राजनीति हो रही है पूजा, लेकिन शायद इंसाफ की गुहार लगाते छात्र भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पुलिस बल तैनात है, आरएफ की टुकड़ी यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि सुबह से छात्र काफ़ी आक्रोशित में थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। आप देखेंगे सामने आपको बोर्ड नजर आएगा, राउस आईएएस स्टडी सर्किल करोल बाग। ये यहाँ का सबसे पुराने इंस्टीट्यूट्स में से एक है। हादसा कैसे हुआ, क्या हालात बने, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखेंगे तो इस सामने की तरफ जिस रोड पर मैं इस समय चल रहा हूँ, इस रोड पर कल करीब 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ था। अब अगर सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये है बेसमेंट। आप देखेंगे बेसमेंट का सामने रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा, ये पाइप आपको जहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये रास्ता बेसमेंट को जा रहा है। नीचे सीवर लाइन भी जुड़ी हुई है। अब क्या सच में सीवर लाइन फटी, उसके बाद ये पानी ऊपर आया, या रोड का पानी, बरसात का पानी जो है वो अंदर गया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो जांच के बाद क्लियर हो पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक बड़ी लापरवाही। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रायन ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले पर संज्ञानता से जांच की जाए, जो अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। यानी साफ है कि बेसमेंट में किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करना इलीगल है, बहुत स्पष्ट है। दिल्ली के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से बेसमेंट को केवल पार्किंग के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेसमेंट में अलग अलग तरीके से क्राइटेरिया होता है, जिसमें आपको फायर की NOC, MCD की NOC, इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की NOC चाहिए होती है। लेकिन यहाँ कोई भी टर्म्स एंड नॉर्म्स को पूरा नहीं किया गया। बायोमेट्रिक सिस्टम से यहाँ पर बाकायदा एंट्री थी। बेसमेंट अगर आप देखेंगे RF के पीछे की तरफ, अगर जो लोकेशन है जहाँ पर वाइट कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ नीचे बेसमेंट जाने का रास्ता है। हुआ क्या था, यह हादसा कैसे हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। करीब रोड पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ था, अचानक ये पानी शीशे तोड़ते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंचा। नीचे बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था, जैसे जैसे पानी भरा वैसे वैसे वहां पर मौजूद छात्र छात्रा परेशान होने लगे और वो बेंच के ऊपर चढ़ गए। विद इन 5 to 7 मिनट्स के अंदर स्थिति ये हो गई कि बेसमेंट के शीशे टूटकर पानी इतना ओवरफ्लो हो गया कि वो छत तक जा पहुँचा, यानी कि पूरा का पूरा बेसमेंट डूब गया 7 से 8 मिनट में। यानी कि रिएक्शन टाइम जो होता है पूजा, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाया छात्रों को। शायद यही वजह थी कि आनन फानन भी सही, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि छात्र समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये कैसे हुआ। दूसरी बात और समझिए, यहाँ पर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट केवल एक है, जिस रास्ते से आप जाएंगे उसी रास्ते से आपको ऊपर आना होगा, जो अपने आप में सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। और केवल ये कोचिंग सेंटर नहीं, आसपास के जितने कोचिंग सेंटर हैं सब पर बेसमेंट में कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर जितने छात्र मौजूद हैं सब में बेहद गुस्सा था, गुस्से में आक्रोश इस बात को लेकर था कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद जिम्मेदारी कौन उठाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से भले ये बात कही गई है कि आने वाले दिनों के हिसाब किताब से तय की जाएंगी, सवाल इतना, जो कुछ भी हो रहा है आपको लगता है कि जिम्मेदारी कम से कम तय हो, क्लियर हो? बेसमेंट में चीज़ें चलाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। मैं जवाब देता हूँ, पहले ओम शांति उन सब सोल्स को जो गई हैं, और इन्होंने, मेरे को लगता है इन्होंने बलिदान दिया है, क्योंकि इनके जाने के बाद अब आने से अकाउंटेबिलिटी किसकी, जो BSES हमें लूट रहा है। कैसे लूट रहा है, फेक और अनऑथराइज PAP AC चार्ज, और जो तुम्हारा सरचार्ज है हमसे ले रहा है, हम स्टूडेंट में पैसे नहीं रहते, मंथ एंड चल रहा है। कितना पैसा लिया जाता है एक छात्र से? एक छात्र से 21-25 दिन की ली जाती है ब्रोकरेज, ठीक है। माचिस के डिब्बे जैसे कमरे में हम रहते हैं, हम पे बिल्कुल रहने की सुविधा देते नहीं है, और इतना रेंट ले रखा है, यहाँ बच्चा इतने दूर दूर से आता है, ना पानी की स्थिति है। आप देखेंगे तो पीछे की तरफ यहाँ पर तमाम आक्रोशित छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, गुस्से में हैं, पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए आप?
सर मैं तो यहीं पे स्टूडेंट हूँ। आप ये बताइए जो अभी हालात हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोश है, गुस्सा है, जस्टिस मांग रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से न्याय चाहते हैं आप लोग? सर न्याय चाहते हैं कि सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ के ऑनर भी हो, जो ऑनर है चाहे और इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर चला रहे थे उन सबका, और MCD यहाँ पर सब चीज़ के हमें पता लगना चाहिए कि यहाँ पर हो, क्योंकि CBS के बहुत पहले से मानसून हवा आता है, बारिश होती है। मैंने यहाँ पर एक बार पानी भरा था कल परसों, मैंने खुद उन बच्चों को निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार ऐसी सब चीज़ सिचुएशन होती है, फिर भी कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, तो ये गलत है। तो इस बार ये निर्णय होना चाहिए, या तो ड्रेनेज सिस्टम सही से करा जाए, और ये कब तक होगा? अब आप देखिए ज़रा, जिस ड्रेनिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, MCD के यहाँ पर सुबह 3 ट्रक लगे हुए थे, दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, आप देखेंगे कि नगर निगम के अधिकारी सोकर जाग गए हैं। अब यहाँ पर बाकायदा सफाई की जा रही है, यहाँ पर जितनी भी कीचड़ थी उसको हटाया जा रहा है, मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है। ये 2 या 3 दिन से लगातार बारिश के बाद ऐसे हालात बने हुए थे, और बारिश के बाद ये मिट्टी रोड पर आ गई थी, जिसके वजह से पूरे के पूरे आप देखेंगे सीवर लाइन ब्लॉक है। ये जो लोग खड़े हैं फुटपाथ पर, ये नाला पूरी तरीके से बहुत भारी लापरवाही है, और देखिए फिर से इसी लापरवाही का जो भुगतान है उन मासूम जानों को करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा वरुण सिन्हा, आपके पास लगातार अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अब आगे बढ़ रहे हैं।